पहले तो घर में बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, घर का काम, बच्चों को संभालना, खिलाना पिलाना, इसी में। जब ये योजना सरकार द्वारा सुने निकली योजना, तो उसमें हम लोग में नाम आया, फार्म भरे, और 2 महीना तक सीखे, काफ़ी सीख गए हैं। अब इस गमले वगैरह में पेंटिंग कर लेते हैं, फूल वगैरह बना लेते हैं, डिब्बा वगैरह सब चीज़ बना लेते हैं। अब 1-1.5 महीना के अंदर सब सीख लिए। अब आगे और काम मिलेगा तो अपने घर में ले जाके पेंट करेंगे, अपना रोजगार आगे बढ़ाएंगे, 2 पैसे का काम होगा। सरकार योजना बढ़िया निकाली है, अब फायदा भी है इसमें। हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा है, हमने कभी लकड़ी छीलना नहीं सीखा था, जानते थे पर कभी सीखे नहीं थे, परंतु हमने लट्टू उट्टू बनाना भी सीख लिए हैं, और डिजाइनर डिजाइन भी इस पर बनाने लग रहे हैं। नहीं तो पहले हम लोग ब्रश व्रश भी चलाने नहीं आता था। हमारे मामा जी हैं, वो बताते हैं हमको, जैसे जैसे वैसे करने बनाते हैं। मौका मिला है तो करने का, तो हम लोग ये भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं, और आगे भी अगर सीखने का मौका और अच्छी अच्छी चीज़ें मिले सीखने के लिए तो अच्छा है ना। हम लोग अपने साथ साथ अपने परिवार में भी हेल्प कर सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई महिलाओं को ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षण कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं इन लोगों का ट्रेनर हूँ। लगभग 2 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। ट्रेनिंग में लकड़ी खिलौने का कैसे शुरुआती कार्यक्रम होता है उसको बनाने के लिए, लकड़ी छीलना, लकड़ी काटना, फिर टर्निंग पर कैसे बनाते हैं, औजार पत्थरना, उसके बाद आइटम बनाना, उसके बाद पेंटिंग करना। इस प्रोजेक्ट के तहत जो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनको कुछ पेमेंट भी दिया जा रहा है, कुछ पारिश्रमिक के रूप में? पर डे का 300 रुपये प्रतिदिन का है, लेकिन वो अभी जैसे लास्ट में मिलेगा, पर डे नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि 2 महीने हो जाएगा तभी वो बैंक द्वारा उनके खाते में पहुँच जाएगा। इसके बाद ये जो महिलाएं ट्रेंड हो गई हैं, इनके लिए आगे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? तो इनके लिए जो हम लोग का आता है ऑर्डर वगैरह आएगा, उन लोगों को दिया जाएगा, अपना हाथ से ठहिए अपना काम करेंगे।